बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपकी खिदमत में चिकन रेशा कबाब की रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं। मगर उससे पहले आपने क्या करना है, हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए देखते हैं कि कमर्शियल चिकन रेशा शामी कबाब हम किस तरीके से बनाएंगे और उसके लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर होंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने चने की दाल ले लिया, जिसको मैंने धोकर साफ करके आधे पौने घंटे के लिए भिगोकर रख दिया है। मैंने आधा किलो चने की दाल ली है, 3 पाव मैंने चिकन ले लिया है। अच्छा, आपने बोनलेस यूज करना है, मेरे पास घर में मिक्स गोश्त अवेलेबल था और मैंने वही यूज किया है। इसके साथ हमने एक बड़ी साइज की प्याज ले ली है और उसको हमने चॉप कर लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, चिली फ्लेक्स जिसे हम मोटी कुटी हुई सुर्ख मिर्च कहते हैं वो मैंने आधा चम्मच ली है, आधा चम्मच हमने हल्दी ली है, सूखा धनिया हमने साबुत लिया है 2 खाने के चम्मच, सुर्ख मिर्च पाउडर 2 खाने के चम्मच, चाट मसाला 1 खाने का चम्मच। आप इसकी जगह टिक्का मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी च्वाइस पे डिपेंड करता है। इसके साथ हमने गरम मसाला साबुत लिया है 1 खाने का चम्मच, नमक मैंने आधा खाने का चम्मच, आपने हस्बे जरूरत इस्तेमाल करना है। तो चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक प्रेशर कुकर लेंगे। अच्छा जी, ये देखें व्यूअर्स, मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया और उसके अंदर मैंने ये प्याज शामिल कर दिए हैं, कटोरी वाले गोश्त शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अब मैं चने की दाल जो है वो इसके अंदर डालूंगी। अब मैं दाल इसके अंदर शामिल कर दूंगी। अब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे, हल्दी, सुर्ख मिर्च पाउडर, सूखा धनिया, नमक, गरम मसाला, चिली फ्लेक्स कुटी हुई मोटी, चाट मसाला, आप टिक्का मसाला भी डाल सकते हैं जैसा कि बताया था, और अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ में हम करेंगे 2 ग्लास पानी इसके अंदर ऐड, 1 ग्लास और ये 2 ग्लास। अब हम इसको वेट लगाएंगे। ये हमने इसको बंद कर दिया, अब हम इसको वेट लगाएंगे। वेट जो है वो हम 10 से 15 मिनट के लिए लगाएंगे, और जैसे हमारा गोश्त और दाल गलेगी हम इसको उतार लेंगे। 10-15 मिनट हो चुके थे, अब हम इसका ढक्कन खोलने लगे। अब मैं सीटियां इसकी रिमूव करती हूँ और अब हम खोल कर देखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि जो पानी है वो थोड़ा थोड़ा रहता है, वैसे ऑलमोस्ट ये पुशअप हो चुका है। अब मैं क्या करूंगी, इसमें से सारा चिकन हम बाहर अलग प्लेट में निकालेंगे, क्योंकि हमने इसके रेशा करने हैं। आज की हमारी जो रेसिपी है वो बेस भी करती है रेशा कबाब पर। तो मैं एक बर्तन के अंदर जो बोटियां इसकी वो निकालती जाऊंगी, जस्ट हम बोटी निकालेंगे। बड़ा बर्तन मैंने इसलिए लिया था कि आपको रेशा दिखा सकूं इसके करके। गोश्त जो है वो हमारा काफी अच्छा गल चुका है। अच्छा, हमने कोशिश ये करनी है कि इसको गरम गरम जो है इसके रेशे कर लें, ताकि ये अच्छे से फाइन इसके रेशे बने फाइबर, वरना ये मोटे मोटे पीस रह जाते। तो ये देखें व्यूअर्स, मैंने गोश्त निकाल लिया है, अब मैं इसके रेशे करूंगी। रेशे करने के लिए आप कोई भी कांटा ले लें या आपकी मदद से रेशे कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो करना क्या है, आपने सिर्फ इस तरह से इसको हम थोड़ा सा ठंडा करते हैं, काफी गर्म है, और बोटी को जो है सपोर्ट करेंगे एक चम्मच के साथ, और इस तरह से ये देखें बहुत ही फाइन ये गल चुका है। हड्डी जो है वो हम अलग करते जाएंगे, और जो दाल है वो हम डोरी डंडे में या किसी भी चट्टू बट्टे में डालकर जो है हम इसको पीस लेंगे, और बस अच्छे से दाल को हमने मिक्स करना है। मेन काम जो है वो चिकन को करना है। आपने बस ये याद रखना है, जब भी रेशा कबाब बनाना है, चाहे वो चिकन का है, मटन का है, बीफ का है, आपने उसको हाथों की मदद से या चम्मच के साथ इस तरह उसके फाइबर्स बना लेने और फिर उसको दाल में शामिल करना है। तो चलिए अब इस तरह मैं अच्छे से इसके फाइबर बना लेती हूँ, और फाइबर बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ।
ये देखें व्यूअर्स, हमारी जो दाल थी वो ऑलमोस्ट गली हुई है अच्छे से, लेकिन आपने डायरेक्ट डंडे के साथ, जो दोरी वाला डंडा होता है, कोई इसको चट्टुवट्टा भी कहता है, मैं उसके साथ ही इसको थोड़ा सा जो है वो पीस लूंगी और फाइन बना लूंगी। और एक बात आपने याद रखनी है कि इसमें से हमने चिकन जो है वो सारा पहले ही निकाल लिया है, उसके रेशे कर लिए हैं, अब सिर्फ मैं दाल को इसके अंदर कूट रही हूँ। ये देखें व्यूअर्स, हमने चिकन के जो है वो रेशे बना लिए, जैसा कि आज की हमारी प्रोडक्ट है, हमने आज चिकन रेशा शामी कबाब बनाने थे तो उसके लिए हमने चिकन को बिल्कुल रेडी कर लिया है। साथ में मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें लेकर ब्रीक काट लिया इसको, और 1 कटोरी जो है वो हम हरा धनिया इस्तेमाल कर रहे हैं फ्रेश वाला, और साथ में हम दाल को तैयार कर रहे हैं। जैसे ये तैयार होगी हम इनको मिक्स करेंगे और टिक्कियां बनाएंगे। अच्छा जी, ये देखें व्यूअर्स, ये हमारे पास दाल जो है इसको मैंने मोटा मोटा पीस लिया, हम इसको मजीद हाथों के साथ करेंगे। साथ में हमारे पास ये रेशा चिकन है, आपने इसको बॉईल करके नहीं डालना वरना ये फीका फीका टेस्ट देगा, इसलिए हमने इसको दाल के साथ ही पकाया और फिर इसको फाइबर कर लिया। इसके साथ हमने हरा धनिया इसमें शामिल करना है, और जैसा कि मैं अभी आपको बताया कि 4 से 5 जो है मैंने हरी मिर्चें काट ली हैं बारीक बारीक, अब मैं उसको इसके अंदर शामिल करूंगी। तो सबसे पहले हम हरी मिर्चें इसके अंदर डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कम ज्यादा जो क्वांटिटी है आपने अपनी मर्जी के हिसाब से कर लेनी है, अगर आपको तीखा पसंद है तो मजीद इसके अंदर आप डाल लें, और ये मैं इसके अंदर हरा धनिया जो है वो शामिल कर रही हूँ, और साथ में अब हम जो ये रेशा किया हुआ चिकन है वो ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर। बिस्मिल्लाह रहमान, ये बहुत गर्म है अभी, मैंने हालांकि काफी वेट किया ये ठंडा हो जाए, बट इट्स स्टिल वेरी हॉट, और मेरे हाथ जो है फुल इस वक्त जल रहे हैं, और जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि आपको ये रेशे रेशे जो है वो इसके अंदर फील हो रहे हैं। बाकी का भी चिकन मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अब बाकी का बचा हुआ चिकन मैं इसके अंदर ऐड करने लगे। ये देखें व्यूअर्स, ये अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब मैं क्या करूंगी, इनकी टिक्कियां बनाऊंगी और इसको हम बना बना कर साइड पर रखते जाएंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक नॉर्मल साइज का आपने एक बड़ा सा बॉल बना लेना है, और इस तरह इसको अपने हाथ पर एक व्हील की तरह मूव करना है, और एक टिक्की की शेप दे देनी है। शेप देकर आपने यूं इसको साइड पे रखते जाना है। मैंने वही प्लेट यूज कर ली है जिसमें से मैंने चिकन निकाला था, बड़ा छोटा साइज आप इसको अपनी मर्जी से दे सकते हैं। अब इसी तरह जो है मैं बाकी के सारे कबाब तैयार कर लूंगी और फिर आपको लास्ट पर दिखाऊंगी। ये देखें व्यूअर्स, मैंने कबाब जो है वो बना लिए हैं, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको फ्राई करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये 2 अंडे लिए हैं, और साथ में हमने एक ये बाउल ले लिया। अब अंडे को हम इसमें डालकर अच्छे से बीट करते हैं और फिर इसको फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अंडा को हमने अच्छे से बीट कर लिया, अब हम कबाब को बनाने की तैयारी करते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, हमने चूल्हे पर तवे को गर्म करने के लिए रख दिया है, अब हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। आप चाहें तो इसको फ्राई पैन वगैरह में भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे तवे पे ही इजी लगता है और ये अच्छे से बन जाती है, इसलिए मैं तवे का इस्तेमाल कर रही हूँ। जैसे ही थोड़ा सा घी गर्म होगा हम कबाब को फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने यूं डिप किया अच्छे से और ये रख दिया। आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स के साथ भी इसको तल सकते हैं, लेकिन असल जो शामी कबाब होते हैं वो जस्ट अंडे में डिप किए हुए होते हैं। अब इसी तरह जो हम बाकी के अपने कबाब हैं वो भी बना लेंगे। चम्मच की मदद से आपने इस तरह का सीधा चम्मच ले लेना, जो हमारे सबसे पहले हमने इसमें डाले थे उनको टर्न करके जाना। इनकी साइड को आपने टर्न करते जाना है और गोल्डन कलर आने तक हमने इसको पकाना है।
अब मैं इनको साइड पर करती जाऊंगी। सेम इसी तरीके से मैं सारे शामी कबाब जो हैं वो बना लूंगी और फिर हम इसको सर्व करके आपको दिखाएंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमारे जो कबाब थे वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। अब मैं आपको इसको तोड़कर दिखाती हूँ और इसके जो रेशे हैं ये देखें, आपको स्क्रीन पर इसके जो रेशे हैं वो नजर आ रहे होंगे। और ये जो कमर्शियल स्टाइल के हमने आपको रेशा शामी कबाब बनाना सिखाया है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको घर पे ट्राई करें और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी। कल इंशाल्लाह एक बार फिर नई वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, मगर उससे पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।